हेलो एवरीवन वेलकम टू वर्थ एजुकेशन आज हम मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के लिए इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ करना है और अगर हमें मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स से मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करना है तो उसकी कंडीशंस क्या होंगी आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं हम सपोज कर लेंगे हमारे पास एन नंबर ऑफ सेल्स हैं ये एक सेल है दूसरा सेल है ऐसे कितने सेल्स हैं एन नंबर ऑफ सेल्स हैं जो सीरीज में कनेक्टेड हैं क्लियर है सीरीज में कनेक्टेड है एन नंबर ऑफ सेल्स और फिर ये वाले जो हैं पैरेलल में कनेक्टेड हैं कितनी रोज हैं वन टू थ्री फोर अप टू एम रोज तक ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं फिर क्या कहा हमने एन नंबर ऑफ सेल्स हैं हमारे पास जो सीरीज में कनेक्टेड हैं और इसी तरह की हमारे पास कितनी हैं एम रोज हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड है इस तरह से विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर देखो यही चीज हमने राइट डाउन की है सपोज एंड सेल्स ईच ऑफ ई एम एफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर सबकी ई एम एफ ई है सेम है ई एम एफ हम सपोज कर रहे हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस सबकी क्या है आर है आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ईच रो एंड एम सच रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर ये फिगर क्लियर हो गया ठीक है एंड नंबर ऑफ सेल्स या जो सीरीज में कनेक्टेड हैं और ऐसी हमारे पास कितनी है m रोज़ हैं जो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस r और जिनकी emf और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स क्या है सबकी सेम है अब देखो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अभी हमें नंबर ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें तो कितने सेल्स होंगे देखो n सेल्स इस तरफ को हैं ठीक है और वो कितने हैं यहां से लेके यहां तक रोज कितनी है एम और ऐसे कितनी है एन तो नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो एम एन मल्टीप्लाई करते हैं क्लियर है ना ये तो देखो हम यहां राइट डाउन करेंगे टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए एम क्लियर ओके okay. अब देखो हमें इसकी इक्विवेलेंट सर्किट इसका ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ये एन नंबर ऑफ सेल्स जो सीरीज में कनेक्टेड है सीरीज में हम क्या करते थे उनकी ईएमएफ को उनकी इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं सिंपली ऐड कर देते हैं उन्हें अब सबकी ई एम e एफ ई है तो ई प्लस ई प्लस ई अप टू कहाँ तक एन तो टोटल टोटल नंबर ऑफ ई एम एफ जो उनकी इक्विवेलेंट ई एम एफ आ गई वो क्या आ गई एन ई क्लियर हो रहा है ना सो so, हम यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं पहले हम इस तरह से करेंगे पहले हम सीरीज वाले को आ, सीरीज की इक्विवेलेंट ई एम फाइंड आउट करेंगे ठीक है यहां राइट ऑन करेंगे नेट ई एम एफ ऑफ ईच रो ऑफ एन सेल्स इन सीरीज सीरीज में है वो ठीक है तो आपके पास जो नेट ई वो आ जाएगी वो क्या आएगी एन मल्टीप्लाई बाई इसी तरह से फाइंड आउट करते थे हम ठीक है ओके okay, अब ये तो आ गया हमारे पास ne ई सीरीज के लिए अब ऐसे ही कितने हैं पैरल में जो कनेक्टेड हैं वो कितने हैं एम रोज में ठीक है अब उसकी हमने इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर सेम ईएमएफ के जो सेल्स हैं अगर वो पैरल में कनेक्टेड हैं तो जो उनकी इक्विवेलेंट ईएमएफ होती है वो क्या होती है सेम रहती है ठीक है उसमें कोई चेंज नहीं आता है क्लियर है अब देखो ये एन ई है यहां तक के उसकी अब ये ऐसे कितने सेल्स हैं नीचे को कितने हैं एमरो तक है ये ठीक है तो उन सब की क्या होगी एनी 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 ये सारी की सारी सेम है सबकी ई एम एफ तो उसकी इकोवलेंट ईएमएफ भी क्या होगी एन ई कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज वो पैरेलल में कनेक्टेड है और ई एम एफ क्या है सबकी सेम है ठीक है तो उसकी भी क्या रहेगी देखो हम इस तरह से राइट डाउन कर लेंगे यहां पे एज M such rows are connected in parallel so net EMF of combination. नेट ई एम एफ ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगी इक्वल टू किसके बराबर होगी एन ई -E के ही बराबर क्लियर है ना बिकॉज ई एम एफ की वैल्यू क्या है सेम ओके okay, तो हम इस पूरे की इक्विवेलेंट जो आपके पास ई एम एफ है उसकी वैल्यू तो मैंने फाइंड आउट कर ली वो आ गई एन ई अब आएंगे हम इंटरनल रेजिस्टेंस पे ठीक है अब देखो जब सीरीज में है वो उनकी रेजिस्टेंस आर है तो कैसे करते हैं सिंपली ऐड कर देते हैं उनको तो एन नंबर ऑफ सेल्स हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी सीरीज के लिए एनआर क्लियर है आपको ओके okay? तो नेट इंटरनल अब लिखते हैं हम नेट इंटरनल रेजिस्टेंस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास एन आर क्लियर कोई प्रॉब्लम इसमें ओके okay? अब अब देखो ये यहां तक तो एन आर आ गया सीरीज तो हमने सॉल्व कर लिया ठीक है अब ये एन आर कहां तक कनेक्टेड है पैरेलल में कनेक्टेड है और कितने टाइम्स एम टाइम्स एम रोज है ठीक है तो उसकी इक्विलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम ठीक है अब देखो एस, एम सच रोज आर कनेक्टेड इन पैरल टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट नाम दे देंगे हम उसको ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या जाएगी आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे वन डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू किसके बराबर आता है न बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस इस तरह से होता है ठीक है अब जो हमारे पास है रेजिस्टेंस वो क्या एन आर ठीक है तो क्या आएगी वन डिवाइडेड बाय एन आर प्लस वन डिवाइडेड बाय एन आर प्लस कहां तक है ये एम टाइम्स तो ये क्या आ गया यहां पे एम क्लियर हो गया एम टाइम्स तक है ये ठीक है वन 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 ऐसे करके तो एम डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा एनआर क्लियर हो रहा है ना ये बिकॉज एम टाइम्स है ये ठीक है तो अब यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी देखो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी आ आ आ गया, M divided by NR, और जाएगा तो इसका opposite, NR divided by M. Clear? ये वाली value किसकी गई आपके पास अब? R equivalent की, ठीक है? बट हमें तो क्या करना है टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है अब देखो ये इक्विवेलेंट सर्किट बन गया इसका ये देखो क्लियर हो रहा है ये देखो ठीक है अब ये आ गई इसके पास क्या हमारे पास नेट ईएमएफ पूरे सर्किट की और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या फाइंड आउट की हमने अभी एनआर डिवाइडेड बाय एम पर ये किसके साथ कनेक्टेड होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के साथ तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है ये प्लस ये ठीक है तो अब हम राइट डाउन करेंगे यहां पर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या आ जाएगी आपके पास आर प्लस एन आर डिवाइडेड बाय एम क्लियर हो गया ये वाला ठीक है ये आ गया आपके पास टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू अब देखिए स्टार्ट करें अब उसके बाद है टोटल करंट अब हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो करंट की वैल्यू क्या होगी हमें करंट ही फाइंड आउट करना है ठीक है करंट की वैल्यू क्या होती है टोटल ईएमएफ एम टोटल ई एम एफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ठीक है उसकी वैल्यू तो करंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एनई टोटल ई एम एफ एन ई है और यहां पे क्या आ जाएगा आर प्लस एन आर डिवाइडेड बाय एम क्लियर ठीक है अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो देखो एम ऊपर चला जाएगा एम एन ई डिवाइडेड बाय को अगर एलसीएम लेंगे एम से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह आ जाएगा एम आर प्लस एनआर क्लियर आपके पास करंट की वैल्यू ठीक है ये करंट की अब देखो अब हमें क्या करना है मैक्सिमम करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है ठीक है तो मैक्सिमम करंट कैसे निकलेगा जब ये वाला फैक्टर क्या होगा मिनिमम होगा तभी करंट मैक्सिमम होगा ठीक है तो इसको हमने मिनिमम बनाना है तो इसको कैसे बनाएंगे इसको मिनिमम बनाने के लिए देखो हम क्या करेंगे अब देखो करंट करंट विल बी मैक्सिमम इफ क्या होगा एम आर प्लस एन आर किसके बराबर होगा मिनिमम होगा ठीक है तो देखो इसको हम किस तरह से अब कंडीशन निकालेंगे इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन है आप ध्यान से देखना देखो इस वाली चीज को हम कैसे राइड कर सकते हैं एम आर प्लस एन आर इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं देखो एम आर इसका राइट डाउन कर सकते हैं जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो रूट से अंडरूट कैंसिल एम आर और इसका प्लस एन आर सेम थिंग है हम राइट डाउन कर सकते हैं ओके उसके बाद हमें इसको ऐसे रहने दो एम आर प्लस एन आर का स्क्वायर अगर हम यहां पे देखो प्लस टू एम आर और एन आर से प्लस कर दें और इसी से माइनस कर दें टू एम आर अंडर रूट एन आर अंडर रूट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जिस फैक्टर से हमने इसमें ऐड किया वही फैक्टर हमने इसमें क्या कर दिया सब्टैक्ट कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो इससे क्या बन गया देखो हमारे पास यहां पे ए स्क्यर प्लस बी माइनस टू ए बी इसको यहां ले आओ तो ये फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी का होल स्केर क्लियर हो रहा है तो यहां बन गया एम आर अंडर रूट माइनस एन आर अंडर रूट इसका होल स्केयर आप इसे राइट कर सकते हो कौन सा फैक्टर बच गया प्लस टू एम आर और इधर आ जाएगा एन आर क्लियर आप ऐसे राइट कर सकते हो इसको अब देखो अब हमें ये वाली चीज ये वाली चीज हमें ये करनी है मिनिमम अब देखो इसको तो हम मिनिमम नहीं कर सकते ठीक है अब देखो अगर ये वाली चीज है इसको आप ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो प्लस टू कैसे डाउन कर सकते हैं एम एन आर और आर क्लियर राइट डाउन कर सकते हैं ना इसको ऐसे और यहां पर तो यही रहेगा इसका स्क्वायर ठीक है अब देखो इस फैक्टर को तो मिनिमम नहीं कर सकते हम बिकॉज ये क्या है एम और एन क्या है नंबर ऑफ सेल्स है तो वो तो मिनिमम नहीं होगा तो इस वाले फैक्टर को देखते हैं ठीक है अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है स्क्वायर तो जब भी हम किसी भी चीज़ का स्क्वायर लेते हैं तो पॉजिटिव ही टर्म आती है और नेगेटिव तो नहीं आएगी तो इसको कैसे मिनिमम करें इसकी वैल्यू तभी मिनिमम होगी अगर इसकी वैल्यू क्या होगी जीरो बिकॉज जीरो का स्क्वायर क्या होगा जीरो ठीक है तो यहां से हम राइट डाउन कर सकते हैं कि अगर हमें इस पूरी चीज को मिनिमम करना है तो हम क्या करें कंडीशन बनाने के लिए देखो हम क्या कर रहे हैं अंडर अंडर रूट रूट माइनस जो NR है ये किसके बराबर होना चाहिए जीरो के बराबर तभी जीरो का स्क्वायर आएगा आपके पास जीरो ठीक है अब ये अगर चीज जीरो है हम इसे राइट डाउन कर सकते हैं कैसे एम आर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा यहां से एनआर के बराबर देखो मैं यहां राइट डाउन करती हूं थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं एम और यहां से आप कैपिटल आर की वैल्यू आपके पास निकल जाएगी क्या एन आर डिवाइडेड बाय एम और ये आपके पास कंडीशन आएगी बस यहां तक है क्लियर हमें जो आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो, वो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए एन आर डिवाइडेड बाय एम क्लियर है यहां थोड़ा सा आपको ये विजिबल है ओके okay. देखो जो कैपिटल आर की वैल्यू है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वो किसके बराबर होनी चाहिए एन आर डिवाइडेड बाय एम और ये एन आर डिवाइडेड बाय एम क्या था आपके पास इंटरनल इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ठीक है तो मैक्सिमम करंट की कंडीशन क्या हो जाएगी जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल के बराबर अगर होगी तो हम टोटल जो आपके पास जो करंट है वो उस, उसकी वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम फॉर किस मिक्सड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के लिए क्लियर हो रहा है ठीक है ये देखो आर क्या है आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मींस आपके पास जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स ये कंडीशन है ठीक है ये कंडीशन है फॉर किसके लिए ये फॉर मैक्सिमम करंट मैक्सिमम करंट के लिए ये वाली कंडीशन है आपके पास क्लियर है देखो किस तरह से किया हमने सबसे पहले हमने यहां पे सीरीज वाले आ, सीरीज़ के लिए आपने इक्विवेलेंट ई एम एफ निकाल दी और उसके बाद हमने कहा था कि अगर सेम ई एम एफ वाले सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनकी ई एम एफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो एन ई ही रही इसकी ठीक है और उसके बाद हमने इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में बन गई एन आर और जब वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट की हमने और वो आ गई एन आर डिवाइडेड बाय एम ठीक है उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आर प्लस एन आर डिवाइडेड बाय एम कर दिया ठीक है और करंट में इसकी वैल्यू डाल दी अब हमें ये वाला फैक्टर जो है ये हमें क्या करना था मिनिमम तभी करंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी उसके लिए हमने ये थोड़ा सा ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन की इसे आप ज़रा अच्छे से देख लेना वैसे वो इतना अच्छा नहीं दिख रहा आई थिंक तो आप देख लेना इसे अच्छे से कैलकुलेट करके ठीक है हमने क्या किया बस इनको ये मैथमेटिकल कुछ कुछ फॉर्मूलाज यूज़ किए हमने और हमने क्या कहा कि कैपिटल आर की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए एन आर डिवाइडेड बाय एम के बराबर होनी चाहिए मीन्स एक्सटर्नल रजिस्टेंस की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए टोटल इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ द सेल्स के बराबर होनी चाहिए अगर हमें मिक्सड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के लिए मैक्सिमम करंट की वैल्यू चाहिए तो ओके आई थिंक आपको क्लियर हो गया ओके थैंक यू